गत 28-30 मार्च धरी नेपाल ले आयोजित होता इंटरनेशनल स्कूल गेम आउ ए गेम रे पाखापाखी 12 देश भाग नहीं जहाँ मध्य भारत केवल 70 जन पिला भाग नहीं जो थे राउरकेलार झील अर्पिता परिडा बंडमुंडा सेंट्रल स्कूल द्वादश श्रेणी में पढ़ुआ अर्पिता परिडा भाग नहीं डिस्कस थ्रो रे आउ समस्त को से चकित कर पखापाखि 42.10 मीटर डिस्कस थ्रो कर से गोल्ड मेडल पाइबा सहित समस्त को आचंबित कर सीधा साल आम आलोचना करवा आम सहित से अच्छा पर लोक अच्छा कोच अच्छा सफलता आ गेम जो गेम्रे से सफलता पाई से गेम कौन थी आभली भाव से सफलता पाई प्रथम आपन को स्वागत आप ये जो अचीवमेंट पाई तो ये जो डिस्कस थ्रो गेम केबे ठो आपन आरंभ करले आ कोन कोन पर्यायक्रमे केमिति केमिति कोन कोन सफलता पाई चंती आ एबे जो सफलता पाई चंती ठीक विस्तृत भाबे कहबे नमस्कार मु अर्पिता परिडा मु जडे इंटरनेशनल प्लेयर मु क्लास 9 रु मु स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करथिली फर्स्ट मु स्टेट्स खेलीथिली इंटर स्कूल भी खेली सीबीएसई क्लस्टर खेली नेशनल्स खेली दुई थर पानीपत आउ इटावारे आईटा मोर सेकंड इंटरनेशनल गेम्स थी जो थे मुझे वर्ल्ड स्कूल गेम्स का सिलेक्शन पाइली फर्स्ट इंटरनेशनल गेम्स सफास जो करते साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स भूटान होता सेठ भी मोर गोल्ड मेडल थी पोजिशन भी फर्स्ट ही आनी बट डिस्टेंस एत भल ना ये जो नेपाल होता डिस्टेंस भल था वर्ल्ड स्कूल गेम पर भी मुझे सिलेक्शन हो ये जो सफलता पछरे केमती रही थी आप प्रशिक्षण जो सफलता पाई यार श्रेय क्या यार श्रेय तो मुझे कोच आ पेरेंट्स को ही देवी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव अच्छा आ कोच भी बहुत भल मत गाइड कर डाइट प्लान आर गाइडेन्स जो मुझे ये पोजिशन में पहुँची पार्टी कोविड बेसी कंट्रीज आसी पार नथिले 8-12 कंट्रीज आसते मोर फाइट बेस बांग्लादेश अफगान सांगर होता पिला टी भल टफ कंपिटेटर थे मो सांगर बट हेले भी मुझे बेट कर फर्स्ट पोजिशन गेन कली डिस्टेंस मोस्ट प्रे 10-8 मीटर बैक थिला तो सर से मतलब बहुत मोटिवेट करते कहते नर्वस है नर्वस है ना मुझे मोर बेस्ट थ्रो दे जहाँ जो मुझे सिलेक्शन पाइली कौन रही पर जो आपंकर आशा गोटे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल पाइले बहुत प्रतिभा बहुत सफलता पाइले तो या पर जो आशा आप लक्ष्य कौन रही जमी स्कूल लाइफ रहा वर्ल्ड स्कूल गेम पहुँचली से ओपेन्स भी चाहे मुझे चाहे कि ओलंपिक्स जाए वर्ल्ड चैंपियनशिप जोटा से भी निजे इंडिया को रिप्रेजेंट करने को चाहिए तार तैयार एवं भी मुझे चलेजी वर्ल्ड स्कूल गेम पर मोर जो प्रैक्टिस को आवरी से हिसाब से बढ़ेबी जार क्वालिफाइंग मत 60 मीटर अराउंड आने पड़ो गोटे ओलंपिक स्टैंडर्ड पाईका भी सर मत बहुत हेल्प करमर गोटे टीम भी अच्छी से मैंने मत बहुत सपोर्ट करती से बहुत मोटिवेट भी कर झियो गोल्ड मेडल पे पाई के आछी नेपाल लो केते खुशी अछि बहुत खुशी अछि केबटु झियो एम देखाय झियो 9 क्लास रु आरंभ करथिला 8 क्लास रु स्कूल रो भाग नैथिला हेले बाहर को जाई नथिला 9 क्लास रे से फर्स्ट टाइम जाईथिला संबलपुर मु ता सहित भी संबलपुर जाईथिली सेट जो हमर सीबीएस मीट होउथिला से मीट रे मु देखिले बहुत स्कूल रो भाग नैथिले पिला सेउटु मु इंटरेस्टेड जे जेमिति हेले तू आगो को जा खेल रे आगो को जमीती ना करिबो अति स्वल्प आय भितर आप निज झियो को इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे तो केमती एक सब मैनेज केमती करू जो ये होची सेमती हो बाबांक इच्छा होची संग साथी मान को पकर हेल्प भी मिलु छी किछि हम तो चाहू छी यदि गवर्नमेंट किछि हेल्प करंदा ताले और भलो ठीक होंदा तांको कोन लक्ष्य रखछन झियो को नै झियो को लेखि तो बहुत किछि बडो स्वप्न अछि देखन त से कोन सफल करू छी नै केमती से लक्ष्य पूर्ण करि करि परियो संघर्ष तो करूची करि परियो निश्चित आशा तो अच्छी कौन कहबे झियर खुशी झियर खुशी पाए तो किसी भाषा ही नहीं कहवापी कौन कह बहुत खुशी अच्छे जड़े गुरुर भूमिका सफलता पचरे जो छात्र सबुठ अधिक थाए आठी भी आपन को श्रेय मिली किंतु तार जिते जमी अर्पिता प्रथम रु जो आरंभ कला गेम आरंभ कला तो कौन भाभी से कि दिने इंटरनेशनल पहुँचव एत गोल्ड मेडल पाइब माने अन्य देशर खेला मान को बीट कर फास्ट जो मत इंट्रोड्यूस कले पंचानन गंता सर तक मत कल कि हाइट अच्छी स्ट्रेंथ अच्छी आपको देख यार रोटेशन केमी हो तू तो जाणी तू गोटे इंटरनेशनल प्लेयर आगे देख केमी कर फास्ट देख ली मुझे कह तू निजे थ्रो कर मुझे देखी तू कौन स्कूल करूँ केमी कौन मुझे जाने तो थ्रो कला मुझे देख ली थ्रो रे खाली टी
ମଡ଼ିଫାଇ ପଲିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏହାର ଏହା ଟେକ୍ନିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତ ଏହା ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅର୍ପିତା ପକାଉଥିଲା 21-22, ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ପୋଜିସନ୍ ଆସିଗଲା 27କୁ ଆସିଲା, ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ 30 ଆସିଲା, 32 ଆସିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ତାମାନେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ ଦେଲି, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଟେକ୍ନିକ୍ ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜ କଲି। ତାପରେ ଯେତିକି ଆମେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ରୋଡ଼୍ରେ ନେଇକି ଅଛି, ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଅଛି ସେଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆଉ ହିଲ୍ ଟ୍ରେକିଂ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିଲି, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆଣିଲୁ ତାକୁ, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ରୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେମିତି ରୋଟେସନ୍ ଦେଖେ, ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେମିତି ଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଟପ୍ କରିଛି ୟୁରୋପର କଣ୍ଟ୍ରିର ସାନ୍ଦ୍ରା ବୋଲି ଝିଅରେ, ସେ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ଼ର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋରେ, ଇଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋଟିଭେଟ୍ ନା ଦିନେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଭେଟ କରିବା ହେଲେ ତ ଆମକୁ 60+, 65+ ପକେଇଲେ ତ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ଲେମ୍ ରଖ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲାବେଳେ ଇଏ ସେଠୁ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲା, ସବୁ କଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିଯାଇ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ସେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ଏଇ ପୋଜିସନ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେବାର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ନ ହେଉ କରୋନା ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗେମ୍କୁ ଆଗକୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦରକାର, ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେ, ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେ, ସେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯିଏ ଚାଲିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଗେମ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲ୍ର, ସେଇଠି ମୁଁ ବହୁତ ହୋପ୍ ରଖିଛି ଆକୁ ମେଡ଼ାଲ୍ ମାରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ରାଉରକେଲାର ଝିଅ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯାଇ ନେପାଳରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଆଉ ନିଜ ଝିଅକୁ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ ଗେମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେମ୍ ରହିଛି, ସେ ଗେମ୍ରେ ସେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚକିତ କରି ପୁଣି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ କିମ୍ବା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ, ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।